हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2020 हैं उसकी एग्ज़ाम 5 मार्च 2022 जो सेकंड शिफ्ट की हो चुकी हैं, 5 बज चुके हैं और बायोमेट्रिक हो रहा होगा बच्चों का और उनसे लाइव रिव्यू लेते हैं मैथ्स और अपना पेडागोजी थोड़ा सा सर पेडागोजी और बाल विकास और अपना पर्यावरण और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बच्चों के मौखिक रूप से पूछेंगे और किस प्रकार से आज का पेपर का लेवल रहा है वो देख लेंगे और तनिक क्षण में बच्चे बाहर आएंगे और मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और इन्वायरमेंट से किस प्रकार से, क्योंकि सुबह भी देखा गया है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन स्पेस से पूछे गए, अंतरिक्ष से, आर्यभट्ट वगैरह से, इनसे पूछे गए और जो भी करंट अफेयर्स मिला के पूछे गया है। तो आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो और जितना हो लाइव रिव्यू देखते रहना, भले आप अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस का देखो या अदर किसी चैनल का देखो, पर लाइव रिव्यू देखते रहना, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हर तीन चार दिन जो 2000 अभी जो MP कॉन्स्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उसमें तीन चार दिन के बाद पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसमें भी लगता है कि पैटर्न चेंज होगा 2-3 दिन बाद, पर 2-3 दिन ऐसे रेशियो चलता रहेगा। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आप स्पेस से कर लेना, अंतरिक्ष से, और करंट अफेयर जो भी साल 1.5 साल 2 साल का करंट अफेयर अच्छे से कर लेना, क्योंकि आप मध्य प्रदेश का बच्चों का भविष्य हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं आपका लेवल होना चाहिए। और जितने भी आप टीचर, जितने भी अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हो रनिंग फिटनेस क्लब, लाइक करना, शेयर करना और आई बेल बटन जरूर दबाना, जिससे आपको वीडियो तुरंत प्रभाव से आपके पास आ जाएगा। और देख लेते हैं, कुछ ही क्षण में बच्चे बाहर आएंगे, बायोमेट्रिक हो रहा है। ठीक, पोज कर दो। हाँ, बच्चे बाहर आ गए, थोड़ा उधर दिखा दो, बच्चों की तरफ दिखा दो, उधर दिखवा दो, बच्चे आ गए हैं और उनसे लाइव रिव्यू लेते हैं किस प्रकार से उनका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और गणित और पर्यावरण से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब का लाइव रिव्यू लेते हैं और किस पोर्शन में टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा सलभ क्वेश्चन था। भैया पेपर था आपका, पेपर था, कितना स्कोर किया आपने? 80। एक मिनट, क्या नाम, शुभ नाम आपका? जितेंद्र राठौर। कहाँ से आए हो आप? उज्जैन। उज्जैन से आए हो, तो आप बता सकते हो कि गणित में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? गणित में तो इजी है, ज़्यादा कोई नहीं ज़्यादा। तो नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन पूछे गए? नंबर सिस्टम से 2-3 होंगे। और पेडागोजी किससे पूछे गए? पेडागोजी थोड़ी टफ लगी, टफ थी। और अपना पर्यावरण से? पर्यावरण इजी है, इजी था। मैम कितना स्कोर किया आपने? हाँ, मैंने 100 स्कोर किया है, पर पर्यावरण और मैथ्स का कोई मतलब कोई लेवल नहीं है। अच्छा, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन अच्छा, दे देना कर देना, लेवल नहीं है। कौन सी कैटेगरी से आप? मैं जनरल। और बाल विकास और पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन? हाँ, ठीक था। कैसे थे क्वेश्चन? हर कोई ऑप्ट कर सकता था, सिंपल। अच्छा, हाँ। और इससे अपने बता सकते हो पर्यावरण में अभी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, करंट से कुछ नहीं पूछा। सुबह अंतरिक्ष से और करंट अफेयर्स मिला क्वेश्चन पूछा गया? अंतरिक्ष का सबसे बेकार था। अच्छा, बेकार को मतलब क्वेश्चन तो बन रहे हैं ना अंतरिक्ष से? क्वेश्चन बन रहे हैं, जो बेसिक जो एक होता है ना लेवल, वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है, ठीक है। मतलब पेपर सिंपल था आज का, मॉडरेट लेवल से, अच्छा रिव्यू दिया है। और पेपर था भैया आप? नहीं, बढ़िया है, निकल के आ रहे हैं बच्चे, थोड़ा से बैग ले रहे हैं उस साइड में, थोड़ा से अंतरिक्ष संबंध और देख, हाँ देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। हाँ सर, अंतरिक्ष से पूछे गए क्वेश्चन पर्यावरण में और करंट अफेयर्स मिला के पूछा गया। और देख लेते हैं भैया, एग्ज़ाम था आप, कितना स्कोर किया आपने? 70। कौन सी कैटेगरी से आप? SC। से आपने? 89। एक मिनट, कौन सी कैटेगरी से आप? SC। बता सकते हो पेडागोजी और बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गया? सरल, मतलब मीडियम टाइप के क्वेश्चन थे, कोई हार्ड वगैरह नहीं थे। और इससे लैंग्वेज में क्या थी आपकी? लैंग्वेज में लैंग्वेज 1 हिंदी थी। हाँ, हिंदी थी। हिंदी में क्या क्या पूछा गया बता सकते? हिंदी में तद्भव शब्द वगैरह और पर्यायवाची वगैरह, तत्सम। अच्छा, शब्द। और ये पूछा गया अलंकार, छंद, संधि विच्छेद? नहीं, ये नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा गया। ये लेवल से लैंग्वेज सेकंड में। अच्छा, गद्यांश और पद्यांश पूछे गए ना थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा। और इसमें लैंग्वेज 2 में इंग्लिश था आपका? हाँ जी। तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया? पोएम वगैरह, पैसेज। अच्छा, पोएम वगैरह, पैसेज। एंटोनियम सिनोनिम पूछा गया? नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें मतलब क्या है कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? अनसीन नहीं, ओनली। अच्छा, पैराग्राफ वगैरह में कुछ पूछा गया उसमें भी? हाँ, पैराग्राफ से रिलेटेड। अब मैथ्स में बात करते हैं, मैथ्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स में भिन्न वगैरह, भिन्न से क्वेश्चन बने। और फ्रैक्शंस, परसेंटेज, और परसेंटेज। और आयु संबंधी प्रश्न बने? सॉरी, आयु संबंधी प्रश्न, आयु एज से रिलेटेड?
एक भी कुछ नहीं पूछा गया नहीं। और इससे अपने धारा नाव रेलगाड़ी ट्रेन से वगैरह से या एडवांस में व्रत वर्ग वगैरह पर्यावरण से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगी? पर्यावरण से ज़्यादा तो मतलब एटमॉस्फेयर से मतलब रिलेटेड और यही स्पेस वगैरह अंतरिक्ष से क्वेश्चन। हाँ हाँ अंतरिक्ष से। कैसे क्वेश्चन थे अंतरिक्ष में कोई याद हो आपको? याद तो नहीं है एक्चुअली पर अच्छा के उसमें कौन सी मिसाइल वगैरह थी। तो बच्चों किस प्रकार की तैयारी करने बोल सकते हो कि आज का फर्स्ट डे है सेकंड शिफ्ट है कि प्रैक्टिस कर रहा है? हाँ और क्या। थैंक यू मैम। पेपर था आपका मैम? पेपर था। थैंक यू। और देख लेते हैं मैम। पेपर था आपका? कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया? नंबर कितने आए आपके? 81। कौन सी कैटेगरी से आप? मैं जनरल। जनरल। बता सकते हो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? पेट बाल विकास और इजी थे वैसे तो। इजी थे। और गणित में? मैथ में भी इजी थे, एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ी थोड़ी हार्ड। अच्छा एनवायरनमेंट ज़्यादा। ठीक है थैंक यू। और पूछ लेते हैं। और अच्छा था पेपर आज का भी। और अंतरिक्ष से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्यावरण से और बाल विकास और पेडागोजी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी और मैथमेटिक्स और लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू से भी लैंग्वेज वन में हिंदी वगैरह पूछी अच्छी पूछ रहे हैं। ठीक है हर कोई कर सकता है बाल विकास और बस आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? स्कोर तो बता दीजिए मैम। कितना स्कोर किया? नंबर नहीं नहीं मैम। कितना स्कोर किया? 50। थैंक यू मैम पीछे से बोलने के लिए। हाँ मैम कितना स्कोर किया आपने? नंबर कितने आए? 50। मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर तो कोई बता ही नहीं रहा है। हाँ देख लेते थोड़ा सा, उधर उधर ले लो। हाँ इधर थोड़ा भैया पीछे चले जाओ। भैया कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया आपने? 103। वेरी गुड। आज का हाइस्ट आप ही हो। तो बता सकते हो बाल विकास और शिक्षा से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे? थोड़ा सा आगे आ जाओ। नहीं बाल विकास से मतलब ना प्रश्न तो अच्छे लेवल बहुत अच्छा था। मैथ्स का भी लेवल अच्छा था। हाँ। देखो जो था ना पर्यावरण के अंदर है ना एक वो अंतरिक्ष वगैरह हाँ। इस टाइप के हाँ। चीज़ें ज़्यादा पूछी। सुबह मॉर्निंग पूछी गई थी। हाँ वो क्या कह रहा है मैं तो क्या ग्रेजुएट हूँ तो इसलिए कर लिया। अच्छा। बाकी जो खाली 12th और डीएड वाले हैं उनको थोड़ा तकलीफ आ सकती है, पेपर टफ है। और आपने इसमें गणित से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? गणित के पेपर इजी था। चैप्टर वाइज बता दे सकते हो आप? मिक्सिंग था सभी थे, मतलब नॉर्मल थे। जनरल अंकगणित, जनरल अंकगणित थी, टफ नहीं थी। और इससे आपने लैंग्वेज में लैंग्वेज टू से किस प्रकार पूछे गए? लैंग्वेज में भी हिंदी भी इजी था और इंग्लिश भी इजी था, बस थोड़ा सा पैराग्राफ को पढ़ना है, उसको सही समझना है। टाइम मैनेजमेंट कैसा? टाइम मिल रहा? नहीं टाइम तो अच्छा था। आपने कितना किया मैम? 99। कौन सी कैटेगरी से आप? जी एससी। एससी। आप कौन सी कैटेगरी से? मैं भी एससी। अच्छा एससी से। हस्बैंड हस्बैंड आए जी? अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल कपल हैं सामने खड़े हैं। और कहाँ से हो आप? इसे यही नीमच से। अच्छा नीमच से हो। और बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पेपर तो अच्छे थे, बस वो साइंस में ही थोड़ा उलझा दिया था पर्यावरण। थैंक यू। अच्छा आ जाओ। क्या नाम सुनो आपका? आयशा अंसारी। अच्छा अब बता सकते हो कौन सी कैटेगरी में आते हो? ओबीसी। कितने नंबर आए आपके? 82। अच्छा नंबर है। बता सकते हो आपने बाल विकास और शिक्षा पेडागोजी से और लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू और गणित से और पर्यावरण से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? क्वेश्चन जो है वो पर्यावरण जो था उसमें बहुत टफ पूछे थे, सारे अंतरिक्ष से रिलेटेड पूछे थे, तो जो लेवल था वो पर्यावरण का बहुत टफ था। हिंदी का और मैथ्स का लेवल जो है वो ईजी था, बाकी पर्यावरण और एक इंग्लिश टीचिंग का जो था वो टफ था, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है वो इजी है तो हर कोई कर लेता है, मगर इंग्लिश टीचिंग जो है वो उसमें थोड़ा टफ हुआ इसलिए मार्क्स कम आए हमारे। और हिंदी में क्या पूछा गया? हिंदी में तो जो नॉर्मल है वही पूछा गया, बहुत इजी लेवल था, समास वगैरह और ये तो इजी लेवल था। और बाल विकास वगैरह? बाल विकास में भी बच्चों का जो लेवल था वो इजी था, जैसे बहुत से बोल रहे थे कि बाल विकास जो है बहुत डीपली पूछते अंदर से, बट ऐसा नहीं था, इजी था, बाकी पर्यावरण बहुत टफ था। आप बच्चों की किस प्रकार तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? किस प्रकार से तैयारी करें? पर्यावरण जो है सब्जेक्ट उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अंतरिक्ष वाला जो चैप्टर है उसमें से हमारे लेवल में तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। थैंक यू है ना मैम। बिल्कुल अच्छे से आ जाओ, देखा जाए तो आ जाओ। और बहुत अच्छे से 105 आज के हाईएस्ट यही भैया है और 105 नंबर आए। कहाँ से आप वैसे? आप? मैं मनासा के पास। अच्छा मनासा के पास हो, टीचर हो आप? हाँ। क्या पढ़ाते हो वैसे? कॉमर्स पढ़ाता हूँ। अच्छा कॉमर्स पढ़ाते हो, तो बता सकते हो आप बाल विकास और पेडागोजी से और लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू और मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट से किस प्रकार? मैथमेटिक्स में ज़्यादा भाग वाले सवाल आए। अच्छा कम से कम 8 से 10 सवाल कैलकुलेटिव। और अपने बाल विकास बहुत ईजी था, पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा टफ था, उसमें कुछ पता नहीं पड़ा। अच्छा तो नंबर मेरे जो कटे वो इन्वायरमेंट में कटे। अच्छा, बाकी नहीं कटे। अच्छा बाकी नहीं कटे। बाकी
दोनों लैंग्वेज बहुत इजी था, दोनों लैंग्वेज बहुत इजी थी। और लैंग्वेज में क्या पूछा गया? लैंग्वेज में दोनों पैराग्राफ में एक तो समास पूछे थे, उसके बाद पर्यायवाची विलोम ये बहुत इजी थे। अच्छा, लैंग्वेज में कोई दिक्कत? और संधि वगैरह पूछी? संधि नहीं पूछी, समास पूछा है। अच्छा, समास दो समास। और अलंकार वगैरह? अलंकार नहीं था। समास किस प्रकार से पूछा गया आपको याद हो? समास मेरे उसमें वो संख्या वाला था तो वो द्विगु समास था उसमें। और इसमें लैंग्वेज टू में इंग्लिश में उसमें दोनों पैराग्राफ था, उसमें भी अपोजिट और सिनोनियम थोड़ा सा। हाँ, और बाकी तो ये लैंग्वेज वही। अच्छा, पेडागोजी थी, 15 नंबर की पेडागोजी। एनवायरनमेंट में और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? एनवायरनमेंट में सैटेलाइट के ऊपर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन। 8 से 10 क्वेश्चन सुबह पूछे गए हैं और अभी भी पूछे गए हैं सैटेलाइट से, मतलब अंतरिक्ष से क्वेश्चन बन रहे। कम से कम स्कोर करना है सैटेलाइट पे कवर करो, 8 से 10 नंबर कवर। दो तीन दिन ये सैटेलाइट वाला पैटर्न चलता रहेगा। आप जितने बच्चे हो सैटेलाइट से जितने भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, करंट अफेयर से आ रहे हैं ना, मतलब एक दो क्वेश्चन करंट जुड़े हुए, एक दो क्वेश्चन है। और किस प्रकार से बस इतना ही याद रहा आप सर। अब आपके आज अगर नंबर कवर करना है मैथ्स में भाग वाले ज़्यादा सवाल थे और पेडागोजी उसमें पर्यावरण में सैटेलाइट वाले क्वेश्चन 8 से 10 कम से कम 15 से 20 नंबर ये कवर कर। आपने कहाँ से नंबर इतने अच्छा स्कोर किया है दोनों में बता दो, चारों में से? मतलब उसमें एग्रीगेट बताया, टोटल सब्जेक्ट वाइज नहीं बताया। मेरे जो आपको अच्छा लगा सबसे बढ़िया? अच्छा, मेरे को तो सिर्फ पर्यावरण को छोड़ के बाकी सब इजी थे। अच्छा, पर्यावरण में नंबर कवर नहीं हुआ। आज का हाईएस्ट ये है सेंटर टॉपर और इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब बच्चों से आप किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ अगर किसी मैथ्स में पकड़नी हो तो भाग वाले सवाल कर ले और पर्यावरण में सैटेलाइट से जुड़े हुए क्वेश्चन कर ले तो नंबर कवर कर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी से? मैं ओबीसी से। ओबीसी से ना, 105 नंबर आपके ना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज का पेपर किस प्रकार से था? मॉडरेट था, मतलब कठिन था। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है? प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस टाइम कम तो नहीं पड़ा? ढाई घंटे टाइमिंग कोई आधा घंटा बच गया। अच्छा, आधा घंटा मतलब 2 घंटे पेपर हो गया? 2 घंटे में। 2 घंटे में तो आपने जैसे लैंग्वेज वन में किस प्रकार से पहले क्या अटेम्प्ट किया ये बता सकते हो आप? जैसे मेरा आया था हिंदी आया था तो मैंने हिंदी को अटेम्प्ट किया, उसको चेंज नहीं किया मैंने। तो अभी उसमें पहले क्या पैराग्राफ अटेम्प्ट किया? हाँ, पैराग्राफ आया था सबसे पहले, पैराग्राफ आया, पैराग्राफ को अटेम्प्ट किया। अच्छा, पैराग्राफ को। फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ आया। हाँ। और उसके बाद वो शिक्षण भी दिया। अच्छा, शिक्षण। कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं आ रहा इसमें? जैसे कि मैथ्स में क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन गलत थे। गलत पूछे? गलत आ रहे, मतलब प्रिंट है कि नहीं है उसमें? अच्छा, माइनस। अच्छा, नंबर तो मिलेंगे उसमें। हाँ, तो कहीं सुबह वाले में नहीं थे, अभी वाले में प्रिंट मिस प्रिंट आ रही है। 3 से 4 क्वेश्चन। और किसी में नहीं? मैथ्स का पता था, मैथ्स में क्वेश्चन गलत थे, बाकी सब्जेक्ट में तो पता नहीं। उसमें प्रिंट मतलब बिल्कुल सही से आ रहे हैं ना। तो और क्या बता सकते हो आप अपने हिसाब से? अपने जो मैं कुछ भूल रहा हूँ या मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ आपसे, या आपके मन में कुछ विचार? इसमें ये विचार है कि जो बाल विकास टफ आता है ना वो बहुत इजी था। बाल विकास में नंबर कवर कर सकते हैं। मैं घर से सोच के आया था बाल विकास में नहीं कवर हो पाएंगे और पर्यावरण में नहीं होगा। यहाँ पर बाल विकास में कवर कर लिया मैंने, पर्यावरण में नहीं हो पाए। दो चीज़ में मेरा डाउट था कि पर्यावरण और बाल विकास में नहीं हो पाएगा, पर बाल विकास बहुत ईजी था। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से हैं और बढ़िया। थैंक यू, है ना? ठीक है भैया, है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ भैया, कितना स्कोर किया आपने? हाँ, कितना स्कोर किया आपने? स्कोर तो 100 अबव किया है पूरा। 107। अच्छा, आज के एक और 105 वाले भैया और 107 वाले भैया ये हैं। तो आप कहाँ से आओ? ये नीमच से, प्रॉपर नीमच सोनियाना से। अच्छा, सोनियाना से। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, किस सब्जेक्ट से आप? नहीं नहीं नहीं, मैं बैंक में हूँ, IDFC बैंक नीमच में जॉब करता हूँ। तो बता सकते हो किस प्रकार से बाल विकास और बाल विकास का अच्छा पूछा था? अच्छे क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश भी अच्छी थी, हिंदी में भी, और करंट का कुछ ऐसा था नहीं, बाकी मैथ्स अच्छी थी। वैसे मैथ्स में बढ़िया नंबर सिस्टम कितने कुछ? मैथ्स में भी अच्छे थे वैसे क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन सबके पूछे थे उन्होंने, बेस्ट बढ़िया। और पर्यावरण से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? पर्यावरण, हाँ, इन्वायरमेंट से भी पूछे गए थे, हर प्रकार के क्वेश्चन थे। पर्यावरण में सैटेलाइट से कितने क्वेश्चन पूछे गए? सैटेलाइट से, अंतरिक्ष से? अंतरिक्ष के भी क्वेश्चन थे कम से कम 7-8 के समथिंग, आराम से थे शुरू से। और करंट अफेयर से मिला के पूछे गए अंतरिक्ष? करंट अफेयर से ऐसा कुछ नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं पूछा, बिल्कुल नहीं पूछा करंट अफेयर से ऐसा कुछ। और मैथ्स में नंबर सिस्टम वगैरह इनसे क्वेश्चन पूछे ना? नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे, अनुपात वगैरह, अनुपात समानुपात वगैरह, प्रतिशत वगैरह, औसत वगैरह से पूछे, औसत वगैरह सारे। और इसमें रेलगाड़ी विद्युत वगैरह, ऐसे रेलगाड़ी वगैरह पूछे गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया पर्यावरण में? नहीं, साइंस से ऐसा कोई रिलेटेड ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और लैंग्वेज वन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे? लैंग्वेज वन में बेटर था, इंग्लिश में अच्छा था, वैसे ग्रामर भी थी थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा। और आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? अब वही करंट का तो ऐसा कुछ पूछा नहीं है। हाँ। तो जो तैयारी जिस प्रकार से कर रहे हैं सभी, वो कंटिन्यू करें। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसमें अपने टाइम कम तो नहीं पड़ा? 2.5 घंटे
नहीं नहीं टाइम से पहले हो गया था। अच्छा टाइम दो घंटे में हो गया था लगभग, है ना? तो हाँ दो घंटे में आराम से सबका हो गया था। अच्छा बाल विकास वगैरह सबसे सिंपल पोर्शन कौन सा लगा? हाँ सिंपल तो बाल विकास ही सबसे बेस्ट सिंपल, और हिंदी भी बढ़िया। जैसे चार ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन आया क्या? ये भी लगाऊं, ए लगाऊं, बी लगाऊं, ऐसे कंफ्यूजन? हाँ दो तीन क्वेश्चन में लगा, तीन क्वेश्चन में लगा कि ए या बी में अटक गए फिर या ऐसे, वो सब में रहता है। हाँ वो तीन चार क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल अच्छे से रिव्यू दिया आपने, थैंक यू। ठीक है और पूछ लेते हैं और किस पर। मैम पेपर था आपका? मैम पेपर था? और आ जाओ थोड़ा सा बाहर आ जाओ। पेपर था क्या? पेपर था आपका? आप मैम का था? पेपर था मैम? नहीं मैम पेपर था आपका? मैम 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 तो रिव्यू दे रहे क्यों भैया? मैम तो रिव्यू नहीं। अच्छा नहीं 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 पेपर था आपका? आ जाओ ना तो फिर। क्या नाम आपका? दीपा बैरागी। कहाँ से आए आप? कानका से। कानका से आप बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर तो नॉर्मली था। रनिंग फिटनेस क्लब नीमच अभी आ जाएगा? हाँ नॉर्मली था पेपर। अच्छा नॉर्मली। किस आपके कितने स्कोर किया? हाँ स्कोर कितना किया? 88। 88 तो बता सकते हो बाल विकास वगैरह, बाल विकास और शिक्षा से किस प्रकार क्वेश्चन बने शिक्षा से? जो हमारा जो थ्योरी में रहता है ना, जो बीएड अपन करते हैं उसमें से रिलेटेड थे सारे। और गणित किससे पूछे गए? गणित में भी नॉर्मली था। नॉर्मली था। पर्यावरण से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? पर्यावरण से भी जो हमारे एनवायरनमेंट में जो होता है ना उससे रिलेटेड था। और साइंस से अपने अंतरिक्ष साइंस से पूछा गया? हां आया था स्पेस साइंस से। उसमें इंग्लिश से एक क्वेश्चन था। अच्छा इंग्लिश वगैरह। और लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू किस प्रकार पूछे गए? लैंग्वेज वन में तो जैसे पेडागोजी थी ना, 15 नंबर की पेडागोजी थी और 15 नंबर का अपना जो जो नॉर्मल था ना वो था। तो आप बता सकते हो आपके बच्चे किस प्रकार से तैयारी करें? आप बता सकते हो कम, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, 5 मार्च सेकंड शिफ्ट है, तो किस प्रकार से तैयारी करें आपके अनुभव से बताना। सीटेट की जो हमने तैयारी की थी ना उससे रिलेटेड थे। अच्छा आधा पेपर से रिलेटेड था। अगर सीटेट का जो क्लियर कर लेगा ना तो उसमें ये बैठ जाएंगे। ठीक है थैंक यू मैम अच्छे से। मैं और पेपर था मैम आपका था पेपर? नहीं आपका नहीं था? नहीं था मैम? एक मिनट आ जाओ ना, दो मिनट लग रहे बस आ जाओ। मैम पेपर था आपका? पेपर उनका नहीं बस वो कोई 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 बता नहीं पा रहा है, बहुत सारे बच्चे निकल गए हैं अब। और आज का देखा जाए तो अच्छा पेपर था और मीडियम लेवल से था। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितने भी टीचर लोग हो, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आप सब लाइक करना, शेयर करना। जितने भी एजुकेशन ग्रुप हो, टेलीग्राम पर हो, फेसबुक पर हो और इंस्टा पर हो, सबको आप शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी एजुकेशन पे। और ये वीडियो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।